विक्ट्री डे परेड पर हमला करने वाला था यूक्रेन। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ड्रोन से हमले की साजिश थी, यूक्रेनी साजिश अंजाम तक नहीं पहुंच सकी और ये हमला रूस के विक्ट्री डे परेड पर ही होना था। रूसी खुफिया एजेंसी को भनक लग चुकी थी, एंटी ड्रोन गन के साथ परेड में सैनिकों की भी तैनाती थी। इतना आसान नहीं था, लेकिन साजिश का खुलासा हुआ है। तो ये जो बड़ी खबर हमने आपको बताई है उसकी एक एक डिटेल भी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। पुतिन की परेड एक तरफ चल रही थी और उसमें यूक्रेनी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। बड़ी डिटेल्स इसकी आपके सामने, यूक्रेन ने अटैक ड्रोन का बेड़ा तैयार किया था, ऐसी जानकारी सामने आई है। रेड स्क्वायर पर हमले की तैयारी थी जी हाँ। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि क्रेमलिन को भी निशाना बनाया जाना था। क्रेमलिन जो कि रूस की आत्मा बताई जाती है, रूसी एजेंसियों को मिल चुका था खुफिया इनपुट, लगातार इनपुट्स मिल रहे थे और परेड की सुरक्षा फिर उसके बाद कड़ी कर दी गई थी। तो बड़ी यूक्रेनी साजिश को नाकाम किया गया, एंटी ड्रोन गन के साथ सैनिकों की तैनाती की गई थी, इसको लेकर भी अपडेट सामने आ रहा है। लेकिन मनीष, यहाँ पर बड़ा सवाल यह है, एक तरफ दावा किया जा रहा है कि जेलेंस्की की हत्या की साजिश रची गई जिसे नाकाम कर लिया गया, दूसरी तरफ यूक्रेन की ओर से विक्ट्री डे परेड में खलल डालने के लेकर भी बड़ी खबर आई। अब बिल्कुल देखिए, कल जब रूस अपना विक्ट्री डे परेड मना रहा था मॉस्को के, वो तमाम विजुअल्स पूरी दुनिया को चौंकाने वाले थे। जब पुतिन लगातार ये धमकी भी दे रहे थे यूरोप को और पश्चिमी देशों को कि उनके जो स्ट्रेटेजिक वेपन है वो सब कुछ तैनात है, लेकिन हकीकत ये थी कि इन सब के बीच रूस के मन में एक बड़ी आशंका थी और वो आशंका थी कि यूक्रेन की तरफ से ड्रोन से अटैक हो सकता था। उसी विक्ट्री डे परेड को जिसको वो पूरी दुनिया को दिखा रहे थे, उसी विक्ट्री डे परेड की जगह पर जहां पर पुतिन बैठे थे, रूस की जो पूरी सत्ता वहां जहां बैठी थी, वहां पर उन्हें आशंका थी कि यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक हो सकता है। और इसीलिए जिस जगह पर रूस ने अपने परमाणु मिसाइल दिखाने की कोशिश की थी, वहीं पर साथ ही साथ एंटी ड्रोन गन लेकर उनके सिक्योरिटी पर्सनल्स लगातार उन गाड़ियों के साथ, मंशा भी यूक्रेन की यही थी कि खलल डालने की कोशिश हो और वो भी उस महत्वपूर्ण दिन पे जो कि रूस का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन का दिन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, दोनों ही खबरों पर डिटेल में जानकारी देने के लिए।